आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, आज हम लोग बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक फिमोसिस पर बात करेंगे, क्या है, क्या इसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक डिजॉर्डर है, जैसा कि आपको हम एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं, जिस तरह से जैसे यह एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, इसको पेनिस बोलते हैं, ये ग्लांस पेनिस है, और इसी के ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, इसी के ऊपर में होता है ये फोर स्किन, और ये फोर स्किन ऊपर आगे की तरफ कवर रहता है ये, और ये फोर स्किन के जो बेस पार्ट, जो लोअर पार्ट में जो होते हैं ना, वो होते हैं प्रोप्यूस लिगामेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे अटैच रहते हैं, प्रोप्यूस लिगामेंट, प्रोप्यूस मसल से अटैच रहते हैं ये, और ये जो फोर स्किन होता है ना, यह फोर स्किन इसको कवर किया जाता है, नॉर्मल बात है ये। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म के समय ये पूरा कवर रहता है, धीरे 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 जब एज बढ़ते जाता है तो ये पीछे की तरफ जब बैक अपने आप इलास्टिसिटी होते रहता है, और 7 साल होते होते, उम्र के 7 साल होते होते ये फोर स्किन कंप्लीट पीछे आने लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगली पॉइंट, फोर स्किन के मूव बैक और आगे मूव करने से बेनिफिट क्या होता है? 2 बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट तो होता है कि यूरिन को पास करने में हेल्प मिलता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह मैरिज के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में वह हेल्प मिलता है, तो बिना फोर स्किन के आगे पीछे हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल होता नहीं है। तो ये तक नॉर्मल बात हो गया, लेकिन अगर बाय द वे किसी कारण से 7 साल के बाद भी अगर ये फोर स्किन पीछे की तरफ नहीं मूव करता है, अगर पीछे बैक नहीं आता है, तब उसको हम लोग फिमोसिस बोलते हैं, है ना, तब उसको फिमोसिस बोलते हैं। फिमोसिस मतलब क्या है कि ये फोर स्किन बैक हो नहीं पाता, उसका नहीं इसको बोलते हैं। तो फिमोसिस रहने से दिक्कत क्या होगा? पहला तो कि फिमोसिस हुआ क्यों? फिमोसिस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि फोर स्किन का जो मसल होता है ना, रिजिड होने के कारण रिजिड हो जाता है। दूसरा कारण होता है कभी कभी कि जो यहाँ पर जो लिगामेंट होते हैं ना, वह ज्यादा क्या होता है ना, रिजिड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी उसकी लॉस कर जाती है, तब भी जाकर के फोर स्किन बैक नहीं हो पाते हैं मसल लिगामेंट के कारण। या हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन हो रहा हो बार बार, बेलेनाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा हो बार बार, तब भी उस केस में यह फिमोसिस बन जाते हैं। सबसे बड़ा तो यहाँ पर वही होता है कि जो लिगामेंट और जो प्रोप्यूस मसल होते हैं वह रिजिड और स्ट्रॉन्ग रहने का, हार्ड टफ रहने का, ये बैक नहीं होता है। अब बात है कि अगर नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत यह होगा जब पीछे नहीं आवेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर कचरा जमा होगा, जिसको एस्मेग्मा बोलते हैं, व्हाइट ग्रेस कलर के जमा होते हैं ना, एस्मेग्मा बोलते हैं उसको, यहाँ जमा होता है। एस्मेग्मा जमा होगा तो उसके कारण इन्फेक्शन पकड़ेगा, इन्फेक्शन पकड़ेगा तो इन्फेक्शन के कारण सारे के सारे बार बार इन्फेक्टेड होते रहेंगे, बार बार इन्फ्लामेशन होते रहेगा, ये पहला गवरित तो होगा आपको एस्मेग्मा का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे। अब आया नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो बैक नहीं होने के कारण क्या होगा कि यूरिनेशन होने में दिक्कत होगा, प्रॉपर यूरिन पास करेगा नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना, आपको पेशाब करने के बाद भी वह निकलते रहेगा, तो कपड़े गीले होते रहेंगे, महकते रहेंगे, और पेशाब प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है कि ब्लैडर में यूरिन भरेगा, उधर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस तक डेवलप कर सकता है, कई दिक्कत होगी ना। दूसरी तरफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएंगे, उसके कारण सेक्सुअल जो एक्ट है वो प्रोसेस हो नहीं पाएंगे, यह भी दिक्कत हो जाती है। तो एक तो 3-3 दिक्कत हुआ ना, तो इसके इस कंडीशन में फिमोसिस मिलता है। अब बात करते हैं पता कैसे लगाएंगे इसका, ये तो डायरेक्ट पता लगता है, वो तो जैसे देखें पता लगा यहाँ बिजली जाएगा, ये प्रॉपर ये ग्लास पेन इसको ये हटवेगा नहीं, कह जाएगा ये पूरा कवर किया जाएगा इसको, ज़्यादा प्रेस करेगा तो दर्द करेगा, बहुत प्रेस करेगा तो फट जाएगा, और ज़्यादा प्रेस करेगा तो आके यहाँ टक जाएगा, तो पारा फिमोसिस बन जाएगा, दिक्कत होगा ना। अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो यह हो नहीं पाएगा, आप बहुत प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रप्चर कर सकता है,
और प्रेस करेंगे तो आके यहाँ फंस जाएगा, जहाँ फंस गया तो उसको पैराफिमोसिस बोलते हैं, ये भी दिक्कत है। चलिए अब आते हैं बात इसका इलाज क्या है। देखिए इसका सबसे पहला इलाज नंबर वन पे हम लोग यहाँ पर एनेस्थेटिक जेल लगा करके, एनेस्थेटिक लगा करके रेगुलर वे में इस स्किन को फॉरवर्ड फॉरबैक करते हैं, जिससे इसका इलास्टिसिटी थोड़ा कम होता है और ठीक हो जाता है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर प्रोप्यूसियोटॉमी होता है ना, सिर्फ स्किन को यहाँ पर इसके लिगामेंट को थोड़ा सा इंसीज करना होता है, इससे जो है ना वहाँ पर आपको ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद फॉर स्किन आपका नॉर्मल हो जाता है। और तीसरा होता है सरकमसीजन में इसको काट के हटाना पड़ता है, फॉर स्किन को काट के हटाने के यहाँ से काट के हटा देते हैं इसको, यह सरकमसीजन बोलते हैं। तो सरकमसीजन भी कर सकते हैं, प्रोप्यूसियोटॉमी कर सकते हैं, और एक हो गया आपको जेल से उसको इलास्टिसिटी को हटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स भी है जो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा साथ में, और अच्छा काम करता है। जैसे सबसे पहले अर्निका जेल आता है, अर्निका जेल लगा करके आप इसको कर सकते हो, इसके इलास्टिसिटी को नॉर्मल कर सकते हो। नंबर टू, दूसरे नंबर पर क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर की दवा होता है इसमें नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर इसमें 6x में हम लोग 5 टैबलेट 2 सुबह और 5 टैबलेट शाम आधे कप पानी के साथ देते हैं, रेगुलर देना पड़ेगा। दूसरी दवा होता है इसमें काली फॉस जो होता है उसको 30 पावर में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम इसको रेगुलर वे में देना पड़ेगा। दो दवा, तीसरी दवा में आपका आता है अर्निका। अर्निका का जो 30 पावर में आप इसको सुबह शाम इसको दे सकते हैं। तो 2-3 दवा इसके लिए चलाते हैं, और ये दवा आपको कुछ दिन तक चलाना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर वॉश करते रहेंगे, और जेल लगा करके उसको आप स्किन को सॉफ्ट बनाते रहेंगे। यह आपका फिमोसिस जो है हो सकता है कि बिना सर्जरी का भी यह ठीक हो जाता है, कई केस ठीक हुआ है। हाँ, अब कुछ केस नॉट ठीक होते हैं, उसमें ज़्यादा मसल टफ होने का ऐसा हो सकता है, लेकिन कई केस ऐसा हुआ कि एनेस्थेटिक जेल लगा करके और निका जेल लगाने से और जो दवा बताए उसको खाने से या इसके इलास्टिसिटी फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ये था फिमोसिस। इसका कोई अगर आपको दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे कंडीशन है। या तो हम आपको सिर्फ नॉर्मल एक दवा बताए हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन दवा इसके चेंज होते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।